क्वेश्चन नंबर 37 है, टू आइडेंटिकल बॉल्स आर प्रोजेक्टेड, वन वर्टिकली अप एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम इनिशियल स्पीड। द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इन द रेशियो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन टू पोटेंशियल द सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। सो यहां पर हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका और एक ऐसे करके गई है, तो ये हम बॉल वन ले लेते हैं और ये वाले बॉल टू ले लेते हैं जिसे यहां से प्रोजेक्ट किया गया है। द टू दे हैव स्पेंड द सेम वेलोसिटी, तो ये यू है तो इसकी वेलोसिटी भी यू है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी यू है। तो हमें निकालना है जब ये यहां पर ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची, ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंची, तो पी वन बाय पी टू निकालनी, ये क्या है ये निकालना है। यहां पर देखें इस बॉल के लिए तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी हाफ एम यू स्क्वायर है तो यही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पी वन एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर हो गई, ठीक है। इसको डोंट थिंक इट, ये तो काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं सोचना है। यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, सपोज 10 जूल थी काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे धीरे काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जा रही है और फाइनली आके सपोज यहाँ पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल कितनी होगी, 10 जूल होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहां से यहां तक जाते हुए सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर जिस बॉल को स्ट्रेट फेंका गया है उसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हो गई। दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। जो दूसरी है, दूसरी बॉल को हमने 30 डिग्री एंगल पर फेंका है, जब 30 डिग्री एंगल फेंका है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, यू कॉस 30 हो गया। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरवाइव करता है, तो ये यू कॉस 30 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड अगर यहां निकालनी है, सेकंड बॉल की यहां निकालनी है, तो उसके लिए ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर देते हैं। कौन से के लिए, फॉर बॉल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, रेफरेंस लेवल ये ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एट ए जीरो प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, यू वेलोसिटी फेंका गया, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी ये पता नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी है, हाफ एम यू कॉस 30 वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया, रूट 3/2 का, इसको इधर ले जाओ। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉल एट द बी पॉइंट कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो 1 - 3/4 इधर कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, 4 - 3 1 1/4 हो गया, ये हो गया। रेशियो किसका निकालना है, तो ये पी बी क्या हो गया, ये पी टू हो गया, पोटेंशियल जो था सेकेंड बॉल एट दिस पॉइंट हो गया, तो ये पी टू के लिए भी स्टैंड करता है। तो पी वन बाय पी टू, पी वन बाय पी टू कितना हो गया, पी वन कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर है, पी टू कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर 1/4 है, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये वन हो गया, 1/1/4 कितना हो गया, 4:1 हो गया, पी वन टू पी टू इज 4:1 हो गया, 4:1 दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 37। एक बार मैं आपको फिर बताता हूं जो हमने क्वेश्चन नंबर 37 में किया है। क्वेश्चन नंबर 37 में जो है हमने क्या किया, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को सीधा फेंका गया है और दूसरी बॉल को सेम वेलोसिटी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फेंका गया है, तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर आती है और ये जब हाईएस्ट पॉइंट पर आती है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है ये निकालना है। पहली वाली के लिए सिंपल है कि यहां पे जो हाफ एम यू स्क्वायर है सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी बॉल नंबर वन की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो गई, हाफ एम यू स्क्वायर हो गई। इसका काम तो आसान था, सिंपल था, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाफ एम यू स्क्वायर हो गई। अच्छा, अब इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है,
तो उसके लिए ए और बी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पे इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पे ऑफ दिस बॉल। और यहां पे जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये यू है, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का यू कॉस थीटा हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो सिर्फ यू कॉस थीटा अलोंग एक्सिस का कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। तो यहां पर पी प्लस के इज इक्वल टू यहां की पी प्लस के, और वहां से हम यहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो जब उसको अप्लाई करते हैं एम ई एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी किया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी बी। तो यहां पे पोटेंशियल कितनी हो गई, जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी बी निकालनी है, यहां पे काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पोटेंशियल बी की वैल्यू ये आती है। हमें क्या रिलेशन निकालना है, पोटेंशियल जी इसकी और इसकी, इसकी कितनी निकाल चुके हैं, हाफ एम यू स्क्वायर निकाल चुके हैं। यहां पर इसकी कितनी आती है, हाफ एम यू स्क्वायर 1/4 आती है। दोनों को रेशियो किया तो 4:1 हमारा आंसर आ गया। सो सी इज द राइट ऑप्शन।